नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पाठशाला टेक में, ओनली टेक नो फेक। दोस्तों, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, शॉर्ट में बोले तो IGIMS, नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना की। दोस्तों, यह हॉस्पिटल आधुनिक सुविधाओं से लैस है, तो अगर आप इस हॉस्पिटल में इलाज कराने की सोच रहे हैं तो आपको नंबर लगाने के लिए हॉस्पिटल में जाकर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। IGIMS ने अपना एक ऑफिशियल एप्स लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बात आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है कि जिस डेट में आपको पेशेंट को हॉस्पिटल में दिखाना है उससे एक दिन पहले आपको पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना होता है। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं IGIMS में अकाउंट कैसे बनाएं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो के सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी बटन दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, टाइप करना है IGIMS, इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, चलिए ओपन कर लेते हैं। सिंपली आपको न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है या सिंपली साइन इन विथ गूगल कर लेना है। चलिए मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ इसलिए साइन इन विथ गूगल कर लेता हूँ, ओनली दिस टाइम करना है। आप देख सकते हैं गाइस, आपको स्क्रीन पर चार ऑप्शन दिख रहा होगा। पहला है लैब रिपोर्ट, अगर आपने कोई लैब चेकअप कराया है तो सिंपली लैब रिपोर्ट पर क्लिक करके आप रिपोर्ट देख सकते हैं। दूसरा है OPD शेड्यूल, किस डॉक्टर का किस डेट में शेड्यूल है आप यहां से चेक कर सकते हैं। तीसरा है पाथ फाइंडर, इससे आप रास्ते का पता लगा सकते हैं। चौथा है ऑनलाइन कंसल्टेशन, इसमें जो है न्यू रजिस्ट्रेशन किया जाता है पेशेंट का, तो चलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, पेशेंट का न्यू रजिस्ट्रेशन पेज खुल चुका है। यहां सिंपली जो है डिटेल इंटर कर लेना है पेशेंट का, चलिए डिटेल इंटर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने डिटेल एंटर कर लिया है। पेशेंट को जिस डिपार्टमेंट में आप दिखाना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट को सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं सिंपली न्यूरो सर्जरी सिलेक्ट कर लेता हूं और सबमिट कर देता हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों, पेमेंट पेज खुल चुका है। हमें सिंपली 51 रुपये 21 पैसे पे करना है, जिसमें 1 रुपीज़ 21 पैसे GST है। आप यहाँ पर बहुत तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, सिंपली UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, वैलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको जो सूटेबल लगे उससे पेमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए पेमेंट करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने पेमेंट कर दिया है। यहाँ पर जो है सिस्टम की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है और अब हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट हो चुका है। नीचे में जो है सिंपली स्लॉट टाइमिंग दिया गया है, आपको इस टाइमिंग के अनुसार जो है हॉस्पिटल में विजिट करना होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो कर दो लाइक शेयर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो के सारे नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।